बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है, दिल्ली देश की राजधानी है, उस बिल को उसकी डेट को बढ़ाने के लिए लाया गया सरकार के द्वारा। बड़े शर्म की बात है, अपनी बात करो ये तो चलेगा, बीज ही उन्होंने बोए हैं मैडम। बड़े शर्म की बात है कि ये जो आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को समस्या को फेस करना पड़ रहा है, उसकी जननी है कांग्रेस। ये लोग सत्ता में थे और सत्ता में रहते हुए अनऑथराइज कॉलोनी 3 बार 15 साल तक इनकी दिल्ली में सरकार रही, केंद्र में 10 साल तक ये लोग बैठे रहे और उसके बाद उन कॉलोनियों को पास नहीं किया गया। उसके बाद एक ऐसे झूठे स्थान के बादशाह जिस जो खुजलीवाल साहब मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, जिन्होंने एक लेआउट प्लान बनाना है दिल्ली का, बनाने के बाद सिविक एजेंसी के नाम से उनको देना है, देने के बाद दिल्ली का जो मास्टर प्लान 2021 है उसको लागू करना है, उसको लागू करने के बाद जो दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार के कारण ब्यूरोक्रेसी की भ्रष्टाचारी, क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि DDA 55 साल तक के लोग सरकार में रहे, DDA का काम था लोगों को मकान बनाकर देना, पिछले 55 साल में DDA लोगों को मकान नहीं दे पाई, उसके कारण लोगों ने जो बाहर से दिल्ली में रोजी रोटी की तलाश में लोग आए थे उनको रहने के लिए घर चाहिए था। जो दिल्ली के किसान थे उनका सरकार ने कांग्रेस के जमाने में ठीक तरह से मुआवजा नहीं दिया, उन लोगों को मजबूरी में सस्ते मुआवजे के डर के कारण अपनी जमीन फ्री होल्ड के रूप में बेचनी पड़ी, जिससे दिल्ली के अंदर अनधिकृत कॉलोनियां बस गई, जिनको अनियमित कॉलोनी बोलते हैं। वो कॉलोनियां 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुराना जी के नेतृत्व में बनी थी, आने के बाद सबसे पहले उन्होंने 19 दिल्ली की सभी 900 कॉलोनियों को पास कर दिया, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, वो कॉलोनियों पास ही नहीं कर पाए। उन्होंने एरियल सर्वे करवाया था खुराना साहब ने, उस एरियल सर्वे के अनुसार की 94 कॉलोनी बननी पास होनी चाहिए, लेकिन गलती से प्याज के कारण कांग्रेस की सरकार 98 में आ गई और कांग्रेस के लोगों ने भूमाफियाओं ने उसके बाद दिल्ली किया एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अनेकों प्रकार की कॉलोनी बसा दी, बसाने के बाद फिर कांग्रेस ने उस कॉलोनी को पास तो नहीं किया, लेकिन पास ना करने के बाद हर साल उसकी डेट बढ़ाते रहे जब चुनाव आते रहे वोट बैंक के खातिर, जिसके कारण से आज दिल्ली के अंदर लगभग 2639 अनधिकृत कॉलोनी बस गई है। अब उन कॉलोनियों में गरीब लोग रहते हैं, वो गरीब लोग रहते हैं जो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली के अंदर आए थे, वो आसियाना बनाकर रहते हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली में ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की, उसके 3 या 4 MPA सारे गायब हैं। क्या मालूम नहीं था 31 दिसंबर 2017 के बाद वो एक्ट समाप्त हो रहे, दिल्ली में गरीब लोगों के ऊपर तलवार लटकेगी, गरीब लोगों के मकान गिराए जाएंगे, तो ना तो एक कांग्रेस के लोग इतनी सिंसियरिटी के साथ गंभीरता के साथ नहीं ले रहे, इसका मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ये पहले से ही मारना चाहते थे, दिल्ली को पहले से ही बर्बाद करना चाहते थे, वरना खड़गे साहब को चाहिए था, खड़गे साहब को चाहिए था इस बिल के अंदर पार्टिसिपेट करें वो लोग और दिल्ली के गरीब लोगों की समस्याओं को वो सामने लेकर आए और सरकार के ऊपर दबाव बनाकर सरकार को कहकर कि इस बिल को पास करके लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मैडम इस बिल के माध्यम से ये पहली बार 2006 में आया था, मैं बताना चाहता हूँ तब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में भी, केंद्र में भी और NCT में भी, तीनों जगह कांग्रेस थी। कांग्रेस ने केवल लोगों को लॉलीपॉप देने के नाम से ये 1 साल के लिए बिल लेकर आ गए 2006 के नाम से, दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2006। उसके बाद क्योंकि 2007 में निगम के चुनाव होने थे 1 साल के लिए बढ़ा दिया, 2008 में असेंबली के चुनाव थे 1 साल के लिए बढ़ा दिया, 2009 में फिर लोकसभा के चुनाव थे 1 साल के लिए बढ़ा दिया, इस प्रकार से कांग्रेस नाटक करती चली गई। 2011 में जब देखा कि 2012 में 13 में असेंबली का चुनाव होना है तो इस बिल को वो 2011 के बाद 3 साल के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी प्रोविजन एक्ट के रूप में लेकर आए, उसके बाद वो 3 साल के लिए उन्होंने इसको 2014 तक के लिए एक्सटेंशन दे दी, लेकिन 2014 के एक्सटेंशन के बाद क्योंकि दिल्ली के निवासियों का दुर्भाग्य है कि एक झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर बैठ गया, जिन्होंने लोगों को लॉलीपॉप देकर झूठे पानी फ्री बिजली दूंगा और आज 33% पानी के दाम बढ़ा दिए, जो आदमी फ्री पानी के नाम से सत्ता में आया था, और 3 साल की उसकी सरकार में आज तक उन्होंने लेआउट नहीं बना कर दिया है, MCT को उन्होंने प्लान बनाकर देना था, उसकी बाउंड्री फिक्स करनी थी, जिसके कारण से इन कॉलोनियों को पास करके हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, हाई कोर्ट ने इस पर कभी नहीं कहा दिल्ली की कॉलोनी को पास मत करो, हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर
डायरेक्शन दी हुई है कि दिल्ली के जितनी भी अनियमित कॉलोनी है सरकार श्योरिटी दे कि उनको बेसिक एमिनिटी प्रोवाइड कराएगी, सरकार तो हम उनको पास कर देंगे। हाई कोर्ट में मामला लंबित है, अब वहां पर डेवलपमेंट करने, मैडम ये बहुत सेंसिटिव मामला है, मैडम दिल्ली से रिलेटेड है प्लीज। अब हाई कोर्ट के बाद 3 साल से केजरीवाल की सरकार बैठी है, आज तक कितनी कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली है उन्होंने, इसलिए कॉलोनी पास नहीं हो रही है, कितनी सड़कों को बनाया है इसलिए कॉलोनी पास नहीं हो रही है, लोग सारी की सारी जिसके कारण लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है, लोग भयके वातावरण में जी रहे हैं। और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, गुरेलाल कमेटी दोबारा फाउंड कर दी, उस कमेटी ने आनंद फंड के अंदर अभी जो बोल रही थी हमारी नई दिल्ली से सांसद बहन मीनाक्षी जी, वो बड़ी क्लियर कह रही है जो उन्होंने कन्वर्जन चार्ज 90,000 रुपए कांग्रेस के जमाने में तय किए थे, अब हमारी सरकार ऑनरेबल मंत्री जी से बात की है उसको घटाकर वो कम करने की बात कर रहे हैं, और अगर को घटाकर वो 22-25 हजार तक भी ले आए तो लोग देने को तैयार है। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उस उनको उनके जो टाइम सीमा है उसको बढ़ाकर 8-10 दिन का उनको टाइम दिया जाए, मार्केट के लोगों को वो पैसे जमा करा देंगे, वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। एक निवेदन और करना चाहूंगा इस बिल के माध्यम से, जो अनियमित कॉलोनी में लोग रहते हैं, जो एक्सटेंडेड आबादी गिल विलेज में लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी घर की जमीन में अपने मकान बना लिए, उनका जो प्रोटेक्शन है, उनका जो इन्फोर्समेंट है, उनको जो सुरक्षा देनी है, वो जो 2014 से 2017 तक हमारी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने माने वेंकैया नायडू ने वो प्रोटेक्टेड डेट जो 2014 तक बढ़ाई थी 2017 तक बढ़ाई थी दिसंबर तक, उन कॉलोनियों में रहने वाले लोग ओनली जो ऑथराइज कॉलोनी स्टैंड करती है, जो 2002 में स्टैंड करती थी उसमें कुछ लोगों ने छोटे छोटे मकान बना रखे, एक कमरा दो कमरा वो बनाए थे 2007 में, आज बेटा बड़ा हो गया 3 कमरे बनाना चाहते हैं उन कॉलोनियों के बीच में। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इसको प्रोटेक्शन को बढ़ाकर 2020 तक करें, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि मोदी साहब कहते हैं दलित वंचित उपेक्षित पीड़ित इस वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। अंबेडकर जी के बारे में नौटंकी कर रहे थे अभी संविधान की, अंबेडकर जी के बारे में चाहे भारत रत्न मिला तो बीपीसी की सरकार में अटल जी अडवाणी जी के प्रयास से मिला उनको, उसके बाद गरीबों की अगर बात करें तो गरीबों को हक और अधिकार, आज उनके घर में चाहे बाथरूम बनाने की बात हो, आज चाहे हर गरीब को मकान देने की बात हो, ये मोदी सरकार कर रही है मैडम। इसलिए मेरा निवेदन है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, वो एक्सटेंडेड आबादी ऑफ विलेजेस और अनियमित कॉलोनी जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसकी डेट को बढ़ाकर जो टीचर की रिकंस्ट्रक्शन की है उसको बढ़ाकर, एक मिनट भाई, उसको बढ़ाकर 2020 से सरकार करेगी, ऑनरेबल मंत्री जी करेंगे। ऑनरेबल मंत्री जी गरीब की पीड़ा को समझते हैं, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट गुमराह करते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो चाहते हैं अगर ये बढ़ गया तो ब्यूरोक्रेट जाते हैं उनके घरों में। दिल्ली के अंदर एक्ट है अंग्रेजों के जमाने का 81 और 33, उस 81 के अंदर मेरी जमीन है, मैं अपनी जमीन में घर बना रहा हूँ, मुझे धमकी देते हैं कि 81 के अंदर उसको हम वेस्ट ग्राम पंचायत में कर देंगे। जो आदमी खरीदता है वो तो पैसे दे देता है उन लोगों को, अधिकारियों को जो अपने घर का मकान बना रहा है, गरीब है किसान है वो पैसे नहीं देता, उसकी जमीन को ग्राम सभा में वेस्ट करके वह डिमोलिशन कर दी जाती है। दिल्ली के अंदर ऐसी 70% यहाँ पर मकान बने हुए लेकिन डिमोलिशन 20-30% को करके बैठ दिखाकर पैसा हटते हैं, बदनाम पॉलिटिशियन होते हैं। इसलिए मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि अपने निजी मकान के अंदर अपनी जमीन में मैं मकान बना रहा हूँ तो मुझे उसकी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए 2017 दिसंबर तक, ये मैं निवेदन चाहता हूँ प्रधान माननीय मंत्री जी से करना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत जय।